नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। ई ट्रेडिंग को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने सहित अपनी आधा दर्जन मांगों को लेकर के आज अनाज मंडी में व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। व्यापारियों ने आज सुबह मंडी के प्रांगण में एकत्र होकर के मंडी के सभी गेटों पर ताला लगा दिया और नारेबाजी करते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय पहुँचे और मार्केट कमेटी के कार्यालय पर भी तालाबंदी कर वहाँ पर धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही व्यापारियों ने अपने जमींदार किसानों को से भी अपील की है कि वे अपनी फसल को फिलहाल मंडी में न लेकर के आएं, क्योंकि हड़ताल के चलते कोई भी व्यापारी उनकी बोली नहीं करवाएगा और ना ही बोली में भाग लेगा। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी, कल हमारी कुक्षेत्र में राज्य स्तर की मीटिंग थी सभी व्यापारी भाइयों की। वहाँ पर ये फैसला किया गया हमारी सरकार हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अगर इस बार तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो सोमवार को करनाल में एक राज्य स्तरीय महारैली होगी। वहाँ पर उसके आगे वहाँ से आगे रणनीति बनाई जाएगी। क्या डिमांड क्या है आपकी? डिमांड हमारी ये है कि ई ट्रेडिंग और वीसी के बारे में बार बार सरकार बात करके उस बात से मुकर जाती है, उस बात पे कायम नहीं रहती। इस बारे में जो भी जैसे पहले चल रहा है हम वैसे चलाना चाहते हैं। अगर वैसे नहीं चलेगा तो हमारी निश्चितकाल हड़ताल रहेगी। अभी आगे ऐसे चुनाव भी हैं, क्या चुनाव को लेकर के भी कोई नहीं? अभी हमारी कोई नहीं है। जो अगर हमारी मांगे नहीं मान जाती कुछ करनाल रैली के बाद, उसके बाद जो रणनीति होगी वो आगे होगी। ठीक है।